सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे बहुत ही खतरनाक वायरस के बारे में जिसने बहुत सारे देशों के कर्मचारियों और संस्थानों को रुलाया है। उसका नाम है वाना क्राई और रैनसमवेयर। ये वाना क्राई का मतलब होता है कि मैं रोना चाहता हूँ, और रैनसमवेयर का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक वायरस, जिसने जो है बहुत सारे, जिसे बनाने वाले तो नहीं रोए लेकिन बहुत सारे देशों के कर्मचारियों को उन्होंने रोला है। असल में ये दुनिया के जो है डिजिटल लुटेरा, रैनसमवेयर डिजिटल लुटेरा एक तरह से, और जो आपके कंप्यूटर के फाइलों को क्या करता है, एनक्रिप्ट कर देता है और लॉक भी कर देता है। एनक्रिप्ट का मतलब क्या है कि आप सिर्फ अपने फाइल को देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ना ही उसे एसेस कर सकते हैं, और तो और उसके आपके फाइलों को वो जो है हिडन भी कर सकता है, छुपा देता है, आप उसे देख भी नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपसे जो है पैसे के बारे में डिमांड करता है, जो कि डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में आपको देना होता है। ये जो है अभी जो ताज़ा हुआ है उसके अनुसार $1,000 से लेके $50,000 तक जो है मांग किया हुआ है, और आप उसे पेमेंट करते हैं तो वो आपको फाइल को जो है फिर से जो है बहाल कर देता है। अगर नहीं तो फाइल हमेशा के लिए गुम। यहाँ पुलिस सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है गुमनाम है और दुनिया के किस हिस्से में ये किसी को पता भी नहीं रहता। लेकिन भारतीय साइबर अधिकारी यानी CERT रिस्पॉन्स टीम जो है, इन्होंने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। लेकिन ये वायरस जो है, इन्होंने जो है साइडो ब्रोकर करके ग्रुप है, इन्होंने NSA से जो है ये चुराया हुआ है। और सन 2014 की बात है कि सोनी पिक्चर्स ने उत्तर कोरिया के तानाशाह पे जो है फिल्म बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद जो है कुछ दिन बाद ही जो है उसका पूरा सिस्टम जो है कि जो है हैक हो गया है। पूरा सिस्टम जो है, जैसे ही लॉन्च किया बनाने का, तो सोनी कंपनी की जो है सिस्टम जो है हैक हो गया। अब वो हैक जो हो गया, अब बताइए कि वो बहुत बड़ी कंपनी है, करोड़ों रुपये खर्च करती है अपनी सिस्टम सुरक्षा के लिए, फिर भी उसका कंप्यूटर जो है साइबर से सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता इसके लिए क्या कर सकता है। लेकिन इसके बचने के लिए बहुत हुआ है। जब ये वायरस फैला हुआ तो कुछ दिन बाद ही एक युवा साइबर एक्सपर्ट ने जो है इसका किल स्विच जो है खोज निकाला और उसे बंद कर दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, इसको जो है आपको जो इसको बचने की भी बहुत सारे उपाय हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है पहले ही इसके बारे में आगाह किया था कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो XP सब जो, उस पर ज़्यादा हमला हुआ है, और जो नए सॉफ्टवेयर है विंडोज़ 10 है और अपडेट है वो ज़्यादा इससे नहीं हुए हैं। और शैडो ग्रुप के जो है, इन्होंने NSA से जो है ये प्रोग्राम जो है ये लीक हुआ था, जिसे उन्होंने चुरा के जो है बाद में वार्म कर दिया, फैला दिया। तो अमेरिका तो का जो है माइक्रोसॉफ्ट पे जो है दोषी दे रहा है कि इसी के चलते हुआ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि जिन्होंने अपडेट नहीं किया पुराने वर्जन को, तो मैंने पहले ही बता चुका था, इसीलिए जो है अपडेट करना ज़रूरी है। तो जिनके पास जेन्युइन है वो तो ऑटो अपडेट होते रहते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने पायरेटेड वर्जन था उन पर ज़्यादा हमला हुआ। तो इसके लिए बचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला आप एंटीवायरस जो है, बहुत फ्री वर्जन में भी और बहुत पेड वर्जन में भी, तो आप एंटीवायरस, अच्छे एंटीवायरस जो है लोड कर लेंगे, और उसके बाद अगर आपका जेन्युइन है तो उसे इंस्टॉल अपडेट करते रहेंगे। और किसी भी ईमेल फ्रॉड ईमेल पे जो आपको लिंक नहीं करना, इसी के चलते वार्म होता है और फैलता है। तो और समय समय पे जो है पैच जो है माइक्रोसॉफ्ट का यानी सुरक्षा कवच डाउनलोड करते रहना, तो आपका PC जो है बिल्कुल सेफ रहेगा। तो देखने के लिए धन्यवाद, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू फ्रेंड्स।